आला अदालती शख्सियात के अपने ओहदे पर बरकरार रखने तक इलेक्शन नामंजूर। आम इंतखाबात का फैसला आईएमएफ से फंड्स मिलने के बाद ही होगा। मुस्लिम लीग नून ने अपना फैसला सुना दिया। शहबाज शरीफ की जेर सदारत नून लीग का अहम तरीन मुशावरती इजलास। पीटीआई से मुजाकरात और उनके मुतालबात पर मुशावरत। एक ही दिन इलेक्शन की तारीख पर मुजाकरात पर इतिहादियों को एतमाद में लेने पर इत्तफाक। पीटीआई से मुजाकरात और ऑप्शन इतिहादियों के सामने रखे जाएंगे। नवाज शरीफ ने कहा कि जो मुल्क को नुकसान पहुंचाए और मजाक उड़ाए ऐसे फितने के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम जमातें अपना किरदार अदा करें। कुछ लोगों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हुई, हम सिर्फ मुल्क और कौम का सोचना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को रिलीफ देने के लिए कोशा है, जल्द कामयाब होकर अवाम को खुशखबरी देंगे। तहरीक इंसाफ की अक्सरियत हुकूमत के साथ मुजाकरात जारी रखने की हामी। इमरान खान की जेर सदारत मुजाकरात पर बड़ी बैठक। पार्टी की मरकजी क्यादत की शिरकत। शुरका को हुकूमत के साथ होने वाली बातचीत पर ब्रीफिंग। चौधरी परवेज इलाही के घर छापे की शदीद अल्फाज में मजम्मत। रहनुमाओं ने राय दी, छापा पीटीआई की तरफ से मुजाकरात खत्म करने की साजिश हो सकती है, मुजाकरात हमारी तरफ से खत्म नहीं होने चाहिए, इससे सुप्रीम कोर्ट में उन्हें मौका मिल सकता है। कुछ अरकान की मुजाकरात को मजीद आगे ले जाने की मुखालफत। कहा अगर पीटीआई की तजवीज पर अमल ना हुआ तो मुजाकरात को खत्म कर देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी बोले, पीटीआई मेज पर नेक नियति के साथ बैठी है, चाहते हैं मुल्क मसाइल की दलदल से निकले। तलाल जाफरी फिर जोश में होश खो बैठे। न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान इंतहाई नासिबा जुबान का इस्तेमाल, जो मुंह में आया बोल दिया। मुआवने खसूसी अतातारण कहते हैं साकिब न्यासी गठजोड़ नैब न्यासी गठजोड़ से ज्यादा खतरनाक है। पीटीआई ने टिकट बेचे, समान पार्क में टिकटों के चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं। इमरान खान से डील करना मुश्किल और शहबाज शरीफ से डील करना आसान है। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रैड शरमैन का ऐवान नुमाइंदगान में खिताब। कहा पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने सूबों में इंतखाबात का हुक्म दिया, सूबों में इलेक्शन का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए हतमी है पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के ख्वाहिशमंद हैं। आज जब तक पॉलिटिकल लीडरशिप विजन नहीं देगी, लीडरशिप नहीं देगी, आपका निजाम नहीं चलेगा। अभी हमने आटे का निजाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माजर से कहूंगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज्यादा की चोरी हुई है। क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया? इस निजाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज। आटा स्कीम में 20 अरब रुपए की करप्शन हुई, मौजूदा निजाम डिलीवर नहीं कर रहा, सब तमाशाई बने बैठे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाह खाकान अब्बासी बरस पड़े। कहा सियासी दुश्मनी नफरत में बदल गई, मुल्की मसाइल की वजह लीडरशिप की मुश्तरका नाकामी है। जिन लोगों की अहलियत नहीं वो भी लीडर बन गए हैं। सियासतदानों में सलाहियत होगी तो मसाइल हल करेंगे, अदलिया और ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात तक मुल्क नहीं चलेगा। पार्लियामेंट अच्छा है या बुरा उसके फैसलों को मानना होगा। मिफ्ता इस्माइल बोले, मौजूदा गवर्नेंस को खत्म करके नया मॉडल लाना होगा। हर हुकूमत देख ली मगर बेहतरी नहीं देखी। मर्दम शुमारी पर तहफुजात और इस्लामाबाद में मुजाकरात। एम के एम राबता कमेटी का इजलास। शुरका को तमाम सूरत हाल पर एतमाद में लिया गया। फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से ब्रीफिंग। सियासी सूरत हाल, इलेक्शन और बजट पर बातचीत। मरदमशुमारी में कराची की तकरीबन आधी आबादी को गिना ही नहीं गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान का इल्ज़ाम, इतवार की शाम 4 बजे शाहराह फैसल पर मरदमशुमारी नामंजूर, मार्च करने का ऐलान। सबसे मार्च में भरपूर शिरकत की अपील। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्ज़ा वहाब का रद्देअमल। कहा हाफिज नईम जमात इस्लामी में उठने वाली आवाज़ों से परेशान है। हाफिज नईम कराची दुश्मनी के एजेंडे पर हैं। उधर पीटीआई का कराची में मरदमशुमारी के खिलाफ अवामी एहतजाजी मुहिम का आगाज़। शहर के दर्जनों मकामात पर कैंप्स कायम।